नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट सौरभ टेक्न्यूटर हूँ। आज मैं आपके सामने टेनोर की ये नई डिवाइस टेनोर डी लेके आया हूँ। इसकी अनबॉक्सिंग हम आपके सामने करेंगे और चेक करेंगे कि इस बॉक्स के अंदर क्या क्या है। तो आप देख सकते हो ये सामने के साइड से है और ये पीछे के साइड से हाँ कुछ मेंशन नहीं है। आइए हम जल्दी से इसके बॉक्स को ओपन करते हैं, फिर चेक करते हैं कि डिवाइस कैसी है। तो यहाँ से पहले हम इसको हम कट करेंगे, फिर यहाँ से आइए अब हम इसके बॉक्स को ओपन करते हैं। यहाँ से ये देखिए, इसके बॉक्स के अंदर क्या क्या है वो हम चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये बॉक्स के अंदर से ये चीज़ें निकली हैं। तो सबसे ऊपर ये देखिए, ये आपको टेनोर डी आपको स्मार्टफोन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ है और इसके ठीक नीचे यहाँ पे आपको स्पीकर दिया गया है। आइए इसको हम साइड में रखते हैं। अब ये देखिए, ये है आपको क्विक स्टार्ट गाइड है आपको टेनोर डी की। इसके अलावा इस बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, यहाँ पर आपको चार्जिंग कॉर्ड है, चार्जिंग एडेप्टर और कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा ये खाली है। तो इस बॉक्स के अंदर आपको यही मिलता है और साथ में ये आपको सिम इजेक्टर टूल दी गई है। और आइए अब हमें इसको हम ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसका डिस्प्ले कैसा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पीछे के साइड ये फिंगरप्रिंट सेंसर है, आपको इसका बैक कैमरा फ्लैश और इसके ठीक ऊपर 3.5 mm ऑडियो जैक दिया गया है और इसके ठीक नीचे चार्जिंग पोर्ट एरिया और सेकेंडरी माइक है। राइट हैंड साइड पर वॉल्यूम रॉकर की, पावर बटन। और अगर हम बात करें, हम देखते हैं कि सिम ट्रे एरिया इस डिवाइस का कैसा है। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ से हम इसके सिम इजेक्टर टूल को यहाँ से हम निकालते हैं और देखते हैं कि इसका सिम ट्रे कैसा है। तो दोस्तों ये देखिए, ये है आपको इस डिवाइस का सिम ट्रे एरिया और ये आप देख सकते हैं कि ये आपको तीन स्लॉट्स हैं जिसमें से कि दो स्लॉट आपको इसके लिए सिम कार्ड के लिए और एक आपको डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। हाँ तो दोस्तों ये देख सकते हो आप, ये आपको टेनोर डी के स्क्रीन का फर्स्ट लुक है आप देख सकते हैं। और इसके विंग एंगल भी काफ़ी सही है आप देख सकते हो, चारों तरफ मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ और डिस्प्ले काफ़ी सही है। इसके अलावा अगर इसके स्क्रीन साइज की बात करें तो स्क्रीन साइज इस फोन की 5.2 इंच की है जो कि आपको HD स्क्रीन के साथ आती है। बैटरी 3500 mAh की है। प्रोसेसर इसके अंदर आपको 1.4 GHz क्वाड कोर का प्रोसेसर लगा हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इस फोन का जो बैक कैमरा कितने का है, तो बैक कैमरा जो है वो है आपको 13 MP का जो कि आपको फ्लैश के साथ आता है, आप यहां देख सकते हो। और जो फ्रंट कैमरा है वो आपको 5 MP का इस फोन के अंदर दिया गया है। इसके अलावा ये जो फ़ोन है ये आपको दो वेरिएंट में आपको मार्केट में अवेलेबल होगा। एक आपको 2 GB वेरियंट जो कि आपको 16 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है और जो दूसरा है वो है आपको 3 GB रैम के साथ आएगा जिसमें कि आपको 32 GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। इसके अलावा इस डिवाइस को आप 128 GB तक बढ़ा सकते हो वाया माइक्रो एसडी कार्ड और ये फ़ोन आपको OTG आपको सपोर्ट करता है। अगर मैं दोनों वेरिएंट्स के प्राइस के ऊपर बात करूं तो 2 GB वेरिएंट के जो प्राइस है वो आपको 4999 यानी 4999 है और 3 GB वेरिएंट की जो प्राइस है वो है आपको 5999 यानी 5999। और ये फ़ोन जो है ये आपको 1 साल की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी के साथ आता है। तो ये तो सारी चीज़ें इसके स्पेसिफिकेशन और इसके बारे में हो गई दोस्तों। तो दोस्तों ये मेरा आपको एक अनबॉक्सिंग वीडियो था टेनोर डी के ऊपर। होप आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। इस डिवाइस का डिटेल रिव्यू लेकर मैं जल रहा हूँ। तब तक मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। टेक केयर, थैंक यू।